चांद टायर सर्विस में आपका स्वागत है। आज ट्रैक्टर का टायर पंचर हो गया है, आज ट्रैक्टर का टायर पंचर बनाया जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। इसको टायर को पहले दबा दबा के ढीला किया जाएगा। टायर ढीला एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ भी ढीला कर दिया जाएगा इसको टायर को। टायर खुलने से पहले दोनों तरफ ढीला ही किया जाता है। काफ़ी लोग हथौड़ा टामी मार के ढीला करते हैं, हमारे पास मशीन में बना हुआ है चापा, इसको कहा जाता है। तो चापा से दबा के बताया गया है, इसको खोला जाएगा टायर। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो देख सकते हैं इसको ट्यूब निकाल लिया गया इसका। अब इसमें हवा डाल के पंचर चेक किया जाएगा। पंचर चेक करने के बाद इसका थोड़ा वाल जाम है, उसकी वजह से हवा सही से जा नहीं रहा है। देख सकते हैं इसका पंचर खोजा जा रहा है। यह है ट्रैक्टर का सामने का पहिया। ये ट्रैक्टर का 616 साइज रहता है टायर नंबर। पंचर मिल गया है, टायर में कट लगा हुआ है। अब इसको पंचर बनाया जाए बढ़िया से। हम लोग ओमनी का जो है सीट इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा लंबा कट का दाग था उसके लिए इसको बड़ा फाइलिंग करके इसको ओमनी का सुलेशन इस्तेमाल कीजिए। आप लोग सबसे बढ़िया जो क्वालिटी रहता है, इसकी पकड़ बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ये। अब सुलेशन लगा के इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दिया जाए, तब तक के इसको काट के ये ओमनी का देख रहे हैं इसको साइज बाई साइज चिपका दिया जाए बढ़िया। अब इसके ऊपर से थोड़ा नीचे साफ करके बढ़िया ठोक दिया जाए कि ये खुले ना पंचर। अब चलते हैं टायर घसने। अब इसको माप के पैच से टायर को घसाई बढ़िया से करके, जहाँ कट लगा हुआ था, यहाँ टायर कटा हुआ था, बढ़िया ये घसाई करके घसने के बाद देख सकते हैं आप, ये मशीन से, ये जो मशीन है ये हवा से चलता है मशीन। इसके ऊपर अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, इसके ऊपर अलग से मशीन कहाँ से लाया जाता है, कैसे फिट किया जाता है, अलग से वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। देख सकते हैं बढ़िया से इसका घसाई होने के बाद इसके ऊपर सुलेशन छोड़ा जाएगा, सुलेशन सूखने के लिए लगाया जाएगा। देख सकते हैं ये बढ़िया से घसाई हो गया। पहले नाप लिया जाता है कौन पैच लगाया जाए, कितना बड़ा पैच लगेगा, वो नाप के फिर घसाई करने के बाद इसके ऊपर सुलेशन बढ़िया से लगा दिया जाए। सुलेशन को बढ़िया लगाने के बाद कुछ समय उसको सूखने के लिए छोड़िए। सूखने के बाद पकड़ जो होता है बहुत ही बढ़िया से पैच लगता है। मैं देख रहे सुलेशन चारों तरफ बढ़िया से मिला दिया जाए, कहीं छूटे ना जगह, कहीं जगह छूटे ना। देख सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए। और मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं काम कैसा लग रहा है आपको। देख सकते हैं सुलेशन पूरा सही तरीके से इसको लगा दिए हैं। लगा देने के बाद अब इस पे पैच, ये देखिए आप, कट लगा हुआ था, ये टायर कटा हुआ था, लमसम 1 इंच टायर कटा हुआ है, तो इसमें 5 नंबर पैच लगा दिया गया। अब इसको बढ़िया से घसाए, ऊपर से रोलर चला दिया जाए,
रोलर चला देते हैं बढ़िया से इसको कि पकड़ बना ले। इसके ऊपर से पाउडर ज़रूर लगाए आप, ना तो फिट कर दीजिएगा आप। पन्नी हटाने के बाद इस पर पाउडर लगाए आप। हमारे पास पाउडर अभी ख़त्म है तो पाउंस पाउडर मार दे रहे हैं। तो अब फिटिंग चलिए करते हैं इसका। गुटका हटा के बढ़िया इसको फिटिंग किया जाए। पंचर भी बन ही गया, पैच भी लग गया। आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। और जिस भी संबंधी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। और देख सकते हैं इसको फिट कर लेते हैं टायर। हथौड़ा से भी टायर चढ़ाया जाता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप टायर लीवर से ही चढ़ाइए। हथौड़ा से भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, हम लोग भी हथौड़े से ही चढ़ाते हैं, मगर दिखाने के लिए खास करके इसको टायर लीवर से चढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं इसको ट्रैक्टर का आगे का टायर है। ये हो गया फिटिंग। होने के बाद इसमें हवा डाल देते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें भी, और कमेंट में बताएं ज़रूर आप कैसा लगा वीडियो आपको, और सपोर्ट कीजिए हमें भी। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा हौसला आप लोग के वजह से बढ़ेगा हम लोग को भी। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अब इसमें हवा डाल दिया जाए। 40, 50, 60, 70 जैसा कस्टमर कहे वही हिसाब से आप डाल दीजिए। नॉर्मल इसमें 50-60 रहता ही हवा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।